गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर ट्रेवल प्लान्स पोयम। सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट A4। इन दिस A4 यू विल फाइंड वन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोयम। Read the extract and answer the question that follows. Right? अब इसमें हम देखेंगे बच्चों। And when I had seen all that I want to see, I hope I would know how to turn back into me. तो इस lines में देखोगे बेटा, ये poem का ending line है ना? ये poem का क्या है? End में ये line दिया हुआ है। आप देख सकते हो poem में जो है end में है ना? And when I had seen all that I want to see, I hope I would know how to turn back into me. कह रहा है कि सारी दुनिया को घूम लेने के बाद, कभी वो छोटा बन रहा था, कभी बड़ा बन रहा था, कहानी में हमने देखा ना, तो अब वो चाह रहा है कि सारी दुनिया घूम ले, उसके बाद फिर से मैं ह्यूमन बींग बन जाऊं, फिर से मैं ह्यूमन बींग बन जाऊं, कभी छोटा बनू कभी बड़ा बनू, अगेन आई विल कम बैक इंटू अ ह्यूमन बींग। सो नाउ लेट्स सी, राइट फोर थिंग्स दैट द स्पीकर हैड सीन। ऐसा चार चीज क्या क्या देखा था? तो हमने A3 में देखा ना बच्चों, टू जंगल, टू स्नो, टू ओशियन, टू नॉर्थ पोल, नीडल आइस, के बहुत सारा चीज हमने पोएम में देखा था। तो ऐसा चार चीज क्या क्या देखा, तो कैसे लिखोगे? द स्पीकर हैड सीन, द स्पीकर हैड सीन द कंगारू, ग्रास हॉपर, जीराफ एंड द नॉर्थ पोल। चार चीज हो गया बेटा, बाकी नहीं, सिर्फ चार ही बोला गया है। तो कंगारू को देखा था उन्होंने, उसके पेट में घुस करके घुमा था ना, फिर ग्रास ऑपर के ऊपर राइड किया था, फिर जीराफ से भी बड़ा बनना चाह रहा था, और नॉर्थ पोल रेड जिसे वो ढूंढना चाह रहा था। आई होप क्लियर हो चुका चार चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय टर्न बैक इनटू मी? टर्न बैक इनटू मी का मतलब बेटा, इन ऑर्डर टू सी डिफरेंट प्लेसेस। हमने देखा ना, कभी वो बड़ा बन रहे थे, कभी छोटा बन रहे थे, तो ये बड़ा छोटा बनने में, इन ऑर्डर टू सी डिफरेंट प्लेसेस द स्पीकर बिकम स्मॉल एंड टॉल। कभी बड़ा कभी छोटा है ना, कभी ग्रास ऊपर के ऊपर उड़ रहे थे, या कभी जिराफ से भी बड़ा ओशियन को क्रॉस कर रहे थे। एट लास्ट ही वॉन्टेड टू टर्न बैक इन टू हिज ओरिजिनल स्टेट, मीन्स ह्यूमन। जैसे वो क्लास फोर का, सपोज फॉर एग्जाम्पल वो क्लास फोर का बच्चा है, तो क्लास फोर के बच्चे के रूप में ही बन जाना चाह रहा था। ओरिजिनल स्टेट इसी को कहते हैं। ये स्टेट का मतलब बेटा अवस्था, सिचुएशन, ठीक है? और ओरिजिनल का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, बस ये वर्ड्स को याद रखोगे। इनटू हिज ओरिजिनल स्टेट, क्लियर? टर्न बैक इनटू मी मतलब ओरिजिनल, फिर से वो ह्यूमन मतलब अपना रूप में आ जाना चाह रहा था। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर वांट टू टर्न बैक इनटू हिमसेल्फ? क्यों वो वापस आ जाना चाह रहा था? क्योंकि बोर हो गया था, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा, उसने लगा कि नहीं हमें ह्यूमन बींग बनने में ही फायदा है। तो ये कह रहा है, व्हेन द स्पीकर गेट्स बोर बींग स्मॉल एंड बिग, ही वांट्स टर्न बैक इनटू हिमसेल्फ। तो क्या है, वो हो चुका है बोरिंग, हो चुका है बींग बड़ा छोटा करते करते वो बोर हो गया, मतलब निराश हो गया, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा बड़ा छोटा होने में। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट भी वही लाइन है बेटा, पोएम से ली गई है। एंड आई वुड लर्न टू से थैंक यू इन कैंगरीज। कैंगरीज का मतलब कंगारू की भाषा। मैंने आपको क्लास में भी समझाया था ना, अगर आप गांव में जा रहे हो समर वेकेशन में और गांव वालों के साथ इंग्लिश बोलने लग जाओगे, खेत में किसान में काम कर रहा है जिससे, तो समझ पाएंगे? नो। सो ऑलवेज यू विल ट्राई टू स्पीक देयर डायलैक्ट। डायलैक्ट मतलब उनकी भाषा है ना। तो अब देखो, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय द स्टेटमेंट कंगारू थैंक यू? अब कंगारू के पेट में घुस करके दुनिया की सैर कर रहा था, तो उसे धन्यवाद कहेगा ना। ये एटिकेट से ना बेटा, कुछ भी काम, किसी कोई आपको अच्छा चीज, कुछ चीज देता है तो आप उसको धन्यवाद करते हो। जस्ट द सेम थिंग एट हियर ऑल्सो। तो व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय दिस स्टेटमेंट? द स्पीकर मीन्स दैट He would learn new thing in some way as young one of the kangaroos learn. अब देखो बच्चों, मैंने अभी कहा कि आप कहां जाओगे? गांव में।
अपने रिलेटिव से मिलने। पोएट कहाँ गया है? कंगारू के साथ। तो कंगारू के साथ, कंगारू के बच्चों के साथ रह करके उसी की भाषा सीख रहे हैं ना। तो कंगारू के उआ उआ करके, कंगारू 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 करके उन्हीं की भाषा। जैसे कुत्ते के साथ रहोगे तो भौं भौं करके सीखोगे ना ये लैंग्वेज। कोयल के साथ रहोगे तो क्या सीखोगे? कुक्कू साउंड्स। तो जस्ट द सेम थिंग द पोएट्स इमेजिनेशन है बेटा ये। वही कह रहा है द स्पीकर मीन्स दैट ही वुड लर्न टू न्यू थिंग्स इन सेम वे एज द यंग वन ऑफ द कंगारू लर्न। यंग वन का मतलब उसका बेबी, बच्चा जो सीख रहा है वो भी पोएट भी सीख रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय वर्ड कंगारूज? तो कंगारूज का मतलब क्या बेटा? कंगारू मीन्स द पोएट लर्न टू स्पीक थैंक यू इन कंगारू लैंग्वेज। कंगारूज का मतलब है धन्यवाद बोलना कंगारू की भाषा में। अगर कंगारू को थैंक यू बोलेंगे तो समझ में आएगा उसको? नहीं। तो उन्हीं की भाषा में थैंक यू बोला जा रहा है। नेक्स्ट है, व्हाई वाज द पोएट कॉइंड द वर्ड्स? कॉइंड का मतलब बेटा इंपॉर्टेंट। कंगारूज जो ये शब्द है पूरे पोएम में, क्यों इसको इंपॉर्टेंट किया गया? द पोएट हैज कॉइंड पहचान। इस शब्द का क्यों पहचान है? वर्ड टू शो और गिव स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विथ एनिमल्स। कह रहा है कि मानव को, ह्यूमन बींग को किसके साथ मिलजुल के रहना चाहिए? ह्यूमन बींग के साथ या फिर जानवर के साथ? दोनों के साथ। ह्यूमन बींग को जानवरों के साथ भी मिलजुल के रहना चाहिए। तो वही मिलजुल कर मतलब एसोसिएशन विथ द एनिमल्स। क्लियर हो गया? क्लियर है? पॉइंट्स वांट टू टेल अस और गिव अस अ लेसन दैट वी शुड ऑलवेज शो म्यूचुअल कोऑपरेशन विद द एनिमल्स, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है A5। व्हाट यू हैव टू डू इन A5? प्रोबेबली अब इतना बड़ा पोएम सुनने के बाद, रिसेंटली योर समर वेकेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, है ना? अगले हफ्तों से मान लो कि समर वेकेशन अगर आपका होता है तो आपका क्या होगा? प्लानिंग होगा कि हम यहां जाएंगे वहां जाएंगे आफ्टर फिनिशिंग लॉकडाउन। तो अब देखो यहां क्या प्लान है। यू प्रोबेबली हैव मेनी थॉट्स आफ्टर रीडिंग दिस पोएम। इफ यू गेट अ चांस टू गो, वेयर वुड यू गो? एक्सप्रेस योर थॉट इन द फॉर्म ऑफ पोएम या फिर पैराग्राफ। आप पोएम भी बना सकते हो या पैराग्राफ भी लिख सकते हो। तो बेटा मैंने आपको, बिकॉज नाउ यू आर किड, छोटे बच्चे हो तो पोएम लिखने में दिक्कत होगी, तो मैंने एक पैराग्राफ आपको गाइड किया। आप चाहो तो अपने से भी लिख सकते हो, यू आर फ्री टू राइट। इफ आई वुड गो एनी वेयर, आई वुड गो टू द जू, राइट? आसान है ना, जू पर लिखना। वेयर आई कैन सी वेराइटी ऑफ बर्ड्स, स्पैरो देखेंगे, मैना देखेंगे, कुकू देखेंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, लायन टाइगर एलिफेंट्स, है ना, देख सकते हैं ना हम लोग, वो चीज आप डिस्क्राइब कर सकते हो। आई विल ऑल्सो इंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द इन्वायरमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स देखेंगे, ट्री देखेंगे, है ना, ये चीज इन्वायरमेंट्स। आई विल लव टू सी द एनिमल्स इन द हैबिटेट्स। अब जैसे शेर अपने ग्रुप के साथ है, पिंजड़े में नहीं है, अगर हिरन अपने ग्रुप के साथ है, ये चीज देखने में बड़ा ही मजा आता है। ऐसे तो पिंजड़ा में किसी को कैद कर लेगा तो बेटा वो इंजॉय नहीं ना कर रहा है, वो तो उदास बैठा हुआ है। मगर अपने ग्रुप के साथ, अपने परिवार फैमिली के साथ, हैबिटेट में अपने ग्रुप के साथ फैमिली के साथ रहेगा तो वो इंजॉय करेगा वो, और वो देखने में मजा आएगा। और कह रहा क्या है, हैबिटेट्स स्नेक एंड अदर रेप्टाइल्स ऑलवेज आई लाइक टू सी। वो मुझे अट्रैक्ट करते थे, अट्रैक्टेड मी, एंड आई कैन सी देम इन जू। वो हम कहां, घर में तो सांप देख नहीं सकते, सांप देखते तो मार देते ना, मगर कहां, पाइथन है ना, कोबरा, ये कहां देख सकते हैं हम लोग, जू में देख सकते हैं। एंड फॉर मी चांस फॉर विजिटिंग जू इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। मेरे लिए चिड़ियाघर जाना, बॉटनिकल गार्डन जाना, या तारामंडल जाना, या गांधी मैदान जाना, गोलघर जाना, जहां मन आपको चाहे गांव जाना, ये चीज आप लिख सकते हो अपने से। इज इट राइट स्टूडेंट्स? आई होप यू कैन डू इट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अनदर चैप्टर्स। सो अवर ट्रेवल प्लान एक्सरसाइज हैव फिनिश्ड नाउ। थैंक यू।